हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिस्क की बात करेंगे और बेटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी समझेंगे। बीटा को कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको हम सिर्फ आज हम बेसिक बात करेंगे, बाकी इसकी वीडियो और भी आती रहेगी। और वीडियो सारी देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट को बस फॉलो करना है, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट की सारी वीडियो वहां पर मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको मिल जाएगी। वीडियो के नीचे आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रिस्क क्या होता है पहले यार। देखिए, रिस्क बेसिकली क्या है? रिस्क का मतलब होता है डिफरेंस जो आपका एक्सपेक्टेड आपने करा था, यानी कि आप जितना आपने सोचा था रिटर्न और जो एक्चुअल रिटर्न आया उसमें जो डिफरेंस है वही आपका रिस्क है। जैसे कि आपने सोचा कि भाई 10% का रिटर्न आना चाहिए और आपका आ रहा है 8% का, इसका मतलब 2% का आपने रिस्क उठा लिया था, यही आपका रिस्क होता है। तो रिस्क बेसिकली आपका दो तरीके का होता है, एक होता है आपका सिस्टमेटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिस्क होता है जब जो पूरी मार्केट को इफेक्ट डालता है, एक वेरिएबल की चेंज होने की वजह से पूरी मार्केट में असर डालता है। जैसे आपको कोरोना वायरस अगर आ गया तो कोरोना वायरस की वजह से पूरी मार्केट में असर डल जाएगा। एक होता है अनसिस्टमेटिक, जो किसी पूरी मार्केट में नहीं बल्कि कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे फोकस करेगा या कोई कंपनी पे सिर्फ इफेक्ट डालेगा। जैसे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो सिर्फ अदानी ग्रुप को इफेक्ट डाला, उसे अनसिस्टमेटिक रिस्क बोलेंगे। तो सिस्टमेटिक रिस्क को हम अनडाइवर्सिफेबल रिस्क भी बोलते हैं, किसको हम कम नहीं कर सकते। वॉलेटिलिटी रिस्क बोलते हैं, मार्केट रिस्क भी बोलते हैं। ये पूरी एंटायर मार्केट सेगमेंट पर असर डालता है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? जो किसी एक स्पेसिफिक कंपनी पर असर डालेगा और इसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप देख लो कि भाई अगर मान लेते हैं कि आप एक इन्वेस्टर हो और आपने किसी एक कंपनी पैसा लगा रखा है, आपको रिस्क है कि यार इस कंपनी की रिटर्न कम हो सकता है, तो आप किसी और कंपनी में लगा दो पैसा, किसी और कंपनी में लगा दो। आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर दो, एक जगह पे ना लगाओ, बहुत अलग अलग जगह पे लगा दो, उसे डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। तो आप ये कर सकते हो, तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टमेटिक रिस्क है तो आप चाहे जितना मर्जी कंपनी पैसा लगा लो, पूरी मार्केट में जब असर डल गया तो सारी कंपनी पैसा डालेगा, तो यहां पर आप इसको कम नहीं कर सकते। सिस्टमेटिक तो ठीक है, अनसिस्टमेटिक रिस्क काफी तरीके के होते हैं। जो पूरी कंपनी पैसा डलता है वो या तो बिजनेस रिस्क से हो सकता है, बिजनेस का मतलब कंपनी के कुछ इंटरनल फैक्टर या कंपनी के कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, कंपनी की पॉलिसीज है उसकी वजह से आपको रिस्क हो गया। फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है कि बिजनेस में इक्विटी कितना है, डेट कितना है, उसकी वजह से डेट की वजह से क्या इक्विटी को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। ऑपरेशन रिस्क हो सकता है कि कंपनी काम कैसे कर रही है, क्या कंपनी की कमियां हैं, कैश फ्लो है या नहीं है, उसकी वजह से कहीं उसकी वजह से स्टॉक का प्राइस घटेगा बढ़ेगा, क्या कंपनी की स्ट्रेटेजी अच्छी है, क्या अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पा रही है, क्या कंपनी लॉस में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है जैसे कि कानून बदल गए, उसकी वजह से क्या कंपनी में कुछ चेंजेस आ पा रहे हैं, क्या कंपनी का स्टॉक प्राइस है उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। तो लीगल रेगुलेटरी रिस्क होता है, ये सारे कंपनी इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। बिजनेस, फाइनेंशियल, ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक, लीगल रेगुलेटरी। अब बात करते हैं रिस्क को मेजर कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को समझना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका होता है कि किसी भी चीज में वेरिएशन होता है ना, वेरिएशन चेंजेस, उसको मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिस्टिक टूल है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा हाई आएगा इसका मतलब वहां रिस्क बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मली ना 1, 2, 3 इसके बीच में ही होता है, तो सपोज अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 3, इसका मतलब बहुत तगड़ा है। अगर मार्केट में 10% का बढ़ेगा मार्केट, तो 10% की जगह आपका रिटर्न कितना आएगा, 3 गुना, 30%। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर 10% मार्केट गिरी
तो आपके कंपनी पे 30% का सर डालेगा, सीधा 30% से आपका आपका रिटर्न कटेगा। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है अगर आपका हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है, कम है तो बढ़िया है। तो ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये आपने बचपन में सीखा होगा, 11th क्लास में जरूर, क्योंकि आप जो ये पढ़ रहे हो ये बीकॉम के लिए पढ़ रहे हो, तो आपने फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, या 11th क्लास में तो पढ़ा ही होगा इकोनॉमिक्स में, या उसको भूल गए हो। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं भैया, आपको क्या करना है, मीन 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 में चेंजेस कितने हो रहे हैं, तो एक्स में से मीन माइनस कर देना है, उसका समीशन सिग्मा, और स्क्वायर करना है, डिवाइड करना है एन से, और स्क्वायर रूट कर देना है। अगर मैं स्क्वायर रूट नहीं करूंगा तो इसे बोलते हैं वेरियंस, क्या बोलते हैं, वेरियंस। तो वेरियंस का अगर मैं अंडर रूट निकाल लूंगा तो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपका कोई एक्स है 10, 20, 30, 40, 50, तो आपने एक्स बार निकाला यानी कि मीन निकाला, सम टोटल करके डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ आइटम है, जैसे यहाँ पर आप करोगे तो कितना आएगा, 150 डिवाइड बाय 5, तो 30 आ गया एक्स बार, मीन आ गया। तो अब मीन में चेंजेस, मीन में से उसको माइनस कर देना सारी वैल्यूज को, ताकि मैं निकाल सकूं कि ये जो वैल्यूज है वो मीन से कितनी बड़ी है और कितनी कम है। तो अब ध्यान से देखो, 10 में से 30 माइनस करोगे -20, ये -10, 0, 10, 20, तो आपको समझ में आ गया कि मीन की मीन में से माइनस करके ये वैल्यूज उस मीन के आसपास है या नहीं है। फिर आपने उसको स्क्वायर कर देना है। क्यों करना है स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसको खाली ऐसे सम कर दूंगा ना तो ये 0 आएगा, तो स्क्वायर करके आसान रहेगा, तो 400 आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा, फिर 0, फिर 100, 200, इसका स्क्वायर करूंगा, फिर इससे डिवाइड कर दूंगा एन से, इस तरह से करना है। और फिर आपका स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मुझे अंडर रूट लगाना पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, इसलिए अंडर रूट कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आपका रिटर्न दे रखा है ये 10, 20, 30, 40, ठीक है, इसका आपको पहले मीन निकालो, ये एक्स मार रहा हूं मैं, इसको मीन निकालो पहले, इसको टोटल करो, ये टोटल कितना आ जाएगा, 100, टोटल आइटम कितनी है, 4, 25 आ गया। उसके बाद एक्स में से एक्स बार यानी कि मीन को माइनस करना है, जो म्यू का मतलब होता है ये भी मीन होता है, करो माइनस, 10 में से 25 गए -15, 20 में से 25 गए -5, और ये 5 आएगा, ये 15 आएगा। फिर आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना था, स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, ये 25, ये भी 25, ये 225, माइनस माइनस प्लस हो गए ना। लेकिन उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है आपको, और आपको याद है कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो प्रोबेबिलिटी से माइनस मल्टीप्लाई जो करते हैं रिटर्न को, क्योंकि एक्चुअल रिटर्न निकालना है मुझे, अब प्रोबेबिलिटी से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपको से मल्टीप्लाई कर देना है इस रिटर्न को, क्योंकि ये रिटर्न एक्चुअल में इतना नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी उसकी कितनी। तो दे रखी है 0.20, पहले रिटर्न आने की 0.20 है, फिर 0.10 है, फिर 0.30 है, फिर 0.40 है। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी से माइनस कर मल्टीप्लाई कर देना है ये जो रिटर्न है आएगा, इस स्क्वायर को वेरिएंस को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 225 को 0.20 से करेंगे, 225 इसका मतलब नहीं आएगा रिटर्न, 225 इंटू 0.20 तो कितना आ गया, आप कर दो तो कितना आएगा, 45, ठीक है। फिर आप 25 को 10 से करोगे तो 2.5, ये 7.5 आएगा, इसको आप करोगे तो कितना आएगा, ये इसको करोगे तो आपका बेसिकली ये कितना आ जाएगा, 22 को 4 से करो 88 आता है, ठीक है, सॉरी 240 से करो तो 80 आता है, और 25 को 40 से करोगे तो कितना आता है, बिल्कुल ये आ जाएगा 22.5, ठीक है, तो इसको प्लस करो ये कितना आ गया, 10, 22.5 बेसिकली नहीं आएगा, सॉरी है, आप करो 225 को आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 825 इंटू 4 कितना होता है, 100 है ना, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, एक बार दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं,
है, ये 90 आ जाएगा। तो अब आपको प्लस करना है, तो सबको प्लस करोगे, 90 प्लस 10 प्लस 45, तो कितना आ गया, 145 आ गया। तो ये आपको करना है, अब आपको 145 आ गया, जैसे आपका फॉर्मूला में क्या था, ये 145 ऊपर आ गया, और मन डिवाइड क्या करूंगा, तो ये ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी से साथ करना है, तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखना, तो 145 डिवाइड बाय एन, एन कितना है, 4, इसको अंडर रूट लेना है अब आपने, 145, तो 145 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 36.25। ये आपको अच्छे से करना है, मैं सीधा कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसका अंडर रूट करो अब, इसका किसका अंडर रूट करो, 36.25 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, 6.02। तो इसका मतलब ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, स्टैंडर्ड डेविएशन देखो 6 का आ रहा है लगभग, इसका मतलब रिस्क ज्यादा है, तो ना ही इन्वेस्ट करो ज्यादा बढ़िया, समझ आ रही बात, रिस्क ज्यादा है क्योंकि देखो रिटर्न बहुत ज्यादा बदल रहा है, 25 मीन था लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा बदलेगा, क्योंकि देखिए ये वैल्यू जो है बाकी वैल्यूज मीन से बहुत दूर आ रही है, इसकी वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आ रहा है, तो यही होता है। अब देखो रिस्क को मेजर करने के लिए दूसरा चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है, बीटा। बीटा क्या होता है, बीटा ये सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है, बीटा क्या करता है, सिस्टमेटिक रिस्क, जो मैंने अभी हम समझा था, जो पूरी मार्केट का रिस्क होता है, मार्केट में एकदम से चेंजेस आता है, पूरी मार्केट असर डालता है, तो बीटा कॉफिशियंट निकालना पड़ता है सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करने के लिए। अगर ये कॉफिशियंट ज्यादा आएगा तो हाइयर सिस्टमेटिक रिस्क है, कम आएगा तो कम है, अगर 1 है इसका मतलब है कि ये बढ़िया है, जैसे कि अगर 10% से मार्केट बढ़ी तो आपका जो रिटर्न होगा वो 10% से ही बढ़ेगा, इसे बोलते हैं बीटा 1। लेकिन सपोज करो बीटा आ रहा है 0.8, इसका मतलब क्या है, अगर 10% से मार्केट बढ़ेगी तो आपका 0.8 मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो 8% से बढ़ेगा आपका, अगर बीटा -0.8 है तो 8% नेगेटिव आएगा आपका, ठीक है, ये चीज होती है, तो पूरी मार्केट में क्या सटल, तो बीटा को कैलकुलेट करने के लिए काफी तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला आज हम यही तरीका समझेंगे, बीटा को कैलकुलेट करने को वेरियंस को डिवाइड कर देंगे वेरियंस, को वेरियंस क्या होता है, को वेरियंस और कुछ नहीं होता, आपने क्या करना है, आपने बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन किसी कंपनी का लेना है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है को रिलेशन से, को रिलेशन कोफिशिएंट्स, को रिलेशन भी आपने समझा होगा, को रिलेशन होता है कि किसी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन डेवलप करना, कि अगर एक में चेंज हुआ तो दूसरे में कितना चेंज होगा, को रिलेशन निकालना पड़ता है कि मार्केट में और आपकी कंपनी में उसमें रेट ऑफ रिटर्न में कितना चेंजेस हो सकता है, और डिवाइड कर देना है अपने किसका वेरियंस, ये वेरियंस किसका निकालना है, वेरियंस बेसिकली आपका उसका जो था, किसका वेरियंस कर रहा हूं मैं, मार्केट का, वो करना है, तो को वेरियंस होता है कि आपका जो स्टॉक का रिटर्न है वो मार्केट के रेट ऑफ रिटर्न से कितना रिलेटिव है, कितना ज्यादा बदलेगा कितना ज्यादा घटेगा, और वेरियंस होता है कि आपका मीन से कितना ज्यादा, वही चीज स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था भाई, मीन से जो आपने मीन निकाला उससे आपकी जो वैल्यूज है वो कितनी ज्यादा, जितना ज्यादा आएगी कितना ज्यादा कम आएगी, तो देखो एग्जाम्पल समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। सपोज करो कि मुझे एप्पल का बीटा निकालना है, यानी कि एप्पल का स्टॉक का प्राइस मार्केट से कितना बदलेगा कितना घटेगा, तो एप्पल का बीटा निकालना है, मार्केट है S&P मार्केट है 500 उसकी, ठीक है, तो सपोज करो आपने 5 साल का डाटा निकाला, को रिलेशन निकाला कि एप्पल का और मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न में को रिलेशन निकाला, दोनों में रिलेशन आ रहा है 0.83 का, मतलब क्या है 0.83 का, कि वही चीज है कि अगर मार्केट में 10% का रेट बढ़ता है तो आपके एप्पल में 0.83 मल्टीप्लाई करके 8.3% ही बढ़ता है, ये चीज होती है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, को रिलेशन कोफिशियंट। फिर एप्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको 23.42%, तो क्या करना है आपने, एप्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है और मल्टीप्लाई करना है को रिलेशन कोफिशियंट से, इससे मेरा को वेरियंस आ जाएगा, को वेरियंस का मतलब होता है दोनों का वेरियंस, ठीक है, कि को रिलेशन कोफिशियंट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एप्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन तो मेरे पे क्या आ जाएगा, को वेरियंस आ जाएगा, कि दोनों में वेरियंस कितना आएगा, दोनों में एकदम से अगर एकदम चेंजेस हुआ, क्योंकि तो दोनों का को रिलेशन कोफिशियंट 0.83 है और एप्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्चुअल समझ में आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल में कितना आएगा,
इससे मल्टीप्लाई कर दे, और डिवाइड किसे करना है, पूरी मार्केट में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 32.21%। तो इस तरह से करूँगा, तो यहाँ पर आप निकालो ये कितना आएगा, तो यहाँ निकालोगे देखो 23.42% मल्टीप्लाई बाय 0.83, ये 0.19, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं अभी कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको डिवाइड करना पड़ेगा पॉइंट, ये 32% हटा दूंगा तो क्या आएगा 0.3221, तो करो उसको 0.1943 डिवाइड बाय 0.3221, तो ये आ जाएगा लगभग 0.603। इसका मतलब है कि ये वेरिएंस देखो कितना हो रहा है, 0.603 होगा, बीटा आ गया 0.603। मैंने कहा था बीटा क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट में रेट बदलेगा तो आपकी एप्पल का प्राइस में 0.603 असर पड़ेगा। जैसे अगर 10% का आपको मार्केट में रेट बढ़ा तो आपका 0.603 मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 6% ही बढ़ेगा। ये आपने निकाला, बीटा इसे बोलते हैं, समझ आ रही बात, इसे बोलते हैं बीटा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले आपने मल्टीप्लाई कोरिलेशन निकालना है, कोरिलेशन आपको दे रखा है, कोरिलेशन में निकाला जाता है वैसे, इसको आप अगली वीडियो समझेंगे। तो कोरिलेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में एप्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट रेट से कितना आ रहा है, इतना आ रहा है कोरिलेशन से मल्टीप्लाई करके आया, क्योंकि कोरिलेशन मार्केट से 0.83 था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आपने कन्वर्ट कर दिया एप्पल का कोरिलेशन से मल्टीप्लाई करके कि एक्चुअल मार्केट से स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1943 ही आएगा, क्योंकि आपका कोरिलेशन कम था, ज्यादा फर्क, ज्यादा कोरिलेशन नहीं है आपका एप्पल रिटर्न के साथ मार्केट के साथ, तो इसलिए फिर आपका एक्चुअल में बीटा आया इतना, ये चीज होती है बीटा, ठीक है। तो बीटा आ गया, आपने कंपेयर कर दिया ना, नीचे आपने मार्केट का रिटर्न रखा, ऊपर आ गया आपका एप्पल का, तो आपका बीटा आ जाएगा कि मार्केट से आपका कितना रिटर्न आएगा, कितना बदलाव आएगा, ये बदलाव है खाली एप्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन का, और ये बदलाव है मार्केट का। तो आपने मार्केट से कंपेयर कर दिया एप्पल का बदलाव, तो दोनों का डेविएशन जब आप कंपेयर कर रहे हो तो एप्पल ऊपर लिखा है ना आपने, तो मार्केट से एप्पल का कितना स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो आपका निकाल गया 0.603, क्योंकि नीचे आपने एप्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लिखा है, मार्केट का लिखा है, तो आपका मार्केट से केस चेंज कितना होगा वो आ गया, समझ आ गई बात। तो ये बड़ा टेक्निकल चीजें है थोड़ी, लेकिन तब भी मैंने आपको लॉजिक बताने की कोशिश करी है कि हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, कि फॉर्मूला बनने का पीछे लॉजिक है, तो लॉजिक से शुरू करना है। आने वाली और वीडियो में अच्छे से और समझेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।